रमजान के पवित्र माह में अलविदा जुम्मे की नमाज शुक्रवार को पूरी शिद्दत के साथ अदा की गई। रोजेदारों ने अलविदा जुम्मे के रोजे के दौरान उनसे हुई गलतियों को पाक परवरदिगार से माफी मांगी, के साथ ही पूरे दिन खुदा की इबादत का दौर चलता रहा। मस्जिदों में इन दिनों सवाब कमाने की नीयत से इन दिनों शहर की मस्जिदों में रोजेदारों के रोजे खुलवाए जा रहे हैं। तारावी पढ़ने के साथ ही मस्जिदों में कुरान शरीफ भी लगातार पढ़ी जा रही है। आज अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में रोजेदारों की खासी भीड़ देखी गई। इस दौरान सभी ने खुदा के सजदे में मुल्क व अमन चैन की दुआएं भी मांगी। रमजान मुबारक का ये पवित्र महीना चल रहा है और हम लोग रमजान मुबारक के अंदर बहुत सारी इबादतों के अंदर लगे हुए हैं, जिनमें कुरान का पढ़ना, जिक्र करना, और हम देख रहे हैं कि जगह जगह हम लोग इफ्तारी के प्रोग्राम कर रहे हैं सवाब की नियत से, लोगों को रोज़ा खुलवाना हालांकि बहुत सवाब का काम है और उस पर हम अमल भी कर रहे हैं। इसी तरह मस्जिदों में तरावियों का सिलसिला चल रहा है और इसी तरह मस्जिदों में इतिकाफ का सिलसिला चल रहा है। और रमज़ान मुबारक के अंदर तकरीबन चार जुमे होते हैं, हर जुमा तमाम दिनों का सरदार होता है, लेकिन अलविदा जुमे की खसूसियत है, चूँकि रमज़ान मुबारक जा रहा होता है, हमसे रुख्सत हो रहा होता है, और ये हमारे लिए एक सोचने की बात भी है कि रमज़ान मुबारक जैसा मुकद्दस और पवित्र और मुतबर्रक महीना हमें मालिक ने दिया, लेकिन हम उसकी इबादत पूरी तौर पर सही तौर पर नहीं कर सके, इसलिए अलविदा जुमा हमसे आज गुजर गया है। ये हमारे लिए बहुत सोचने की बात है कि पूरे महीने हमसे जो कमी कोताहियाँ हुई हैं, अब भी हमारे पास मौका है कि अपनी गलतियों का, जो इस महीने के अंदर किसी से कोई गलती हो गई, किसी से झूठ मिल गया, किसी से किसी की नमाज छूट गई, किसी की तरावी छूट गई, किसी का कुरान करीम छूट गया, हमको चाहिए कि इस मुबारक माह के अंदर तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और ज़्यादा माफ़ी मांगें अल्लाह से, क्योंकि ये अलविदा जुमा निकल चुका है। माफ़ी को बढ़ा दें, जिक्र को बढ़ा दें, कुरान की तिलावत को बढ़ा दें और इबादत को बढ़ा दें, इजाफा कर दें तमाम इबादतों के अंदर। तो क्योंकि ये अलविदा जुमा आज निकल गया है, अब हमें चाहिए कि और इबादतों के अंदर इजाफा कर दें और अल्लाह से ज़्यादा मांगें, अपनी दुनिया भी मांगें और आखिरत भी मांगें और अल्लाह से मगफरत को तलब करें।